इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च की और उसकी कुछ टाइप्स के बारे में। एक इजी सा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्वांटिटेटिव रिसर्च रिसर्च की एक टाइप है। डेफिनेशन हम इसकी रीड कर लेते हैं। कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा टू एक्सप्लेन प्रिडिक्ट और कंट्रोल फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट, डिस्क्राइब करंट कंडीशन, इन्वेस्टिगेट रिलेशनशिप, स्टडी कॉज एंड इफेक्ट्स। यानी कि इसमें आपको करंट कंडीशन के बारे में आप चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी जनरल टॉपिक ले सकते हैं। आप जो हैं इसमें ज़्यादा जो आपकी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा कंज्यूम होती है, यानी ओवरऑल आप जनरल बात कर रहे हैं ना। कहीं अगर लेट्स सपोज कि आपने कोई भी टॉपिक लिया हुआ है, अगर मैंने कोई टॉपिक लिया हुआ है, मैं किसी जेंडर से रिलेटेड बात कर रही हूँ, लैंग्वेज एंड जेंडर के बारे में मैंने कोई टॉपिक लिया है और मैं देखना चाह रही हूँ कि इनका डिफरेंस कैसे है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सर्वे कंडक्ट करूँगी, लोगों के ओपिनियंस लूँगी, तो वो सारी क्वांटिटेटिव रिसर्च आ जाएगी। और उसके बाद मैं प्रॉपर ग्राफ्स चार्ट्स बनाऊँगी अपने डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए। करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें न्यूमेरिकल डाटा, यानी कि डाटा जो है ना आपका रिजल्ट हमेशा नंबर्स की फॉर्म में आएगा, लेकिन अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे ना तो उसमें नंबर्स की फॉर्म में आपका डाटा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आपका डाटा जो है वो नंबर की फॉर्म में आएगा, जिसका आप ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, तो न्यूमेरिकल डाटा होता है। इसके अलावा आप जो हैं इसमें हाइपोथेसिस फॉर्मली हाइपोथेसिस प्रोसीजर्स होते हैं, आप मिनिमाइज कर सकते हैं फैक्टर्स को एंड कुड इन्फर द आउटकम ऑफ द रिसर्च। यानी ऑब्वियसली आप पे आपका रिसर्च पे पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि आप ये खुद कंडक्ट कर रहे हैं तो आपको पता होता है कहाँ पे आपने फैक्टर्स को मिनिमाइज करना है, उसके इफेक्ट को कहाँ पे आपने मतलब इसको ले के चलना है, क्योंकि सारी रिसर्च जो है वो आपके कंट्रोल में है। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग सब्जेक्ट्स, इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, एन ऑब्जेक्टिव डिटैच रिसर्चर, यूज़ ऑफ पेंसिल एंड पेपर, टेस्ट क्वेश्चनर्स एट्सेट्रा। यानी इसमें ना आपको जो भी है आपने क्वेश्चनर्स प्रिपेयर करने होते हैं, यानी आपने डाटा कलेक्ट करना है तो आपने लोगों के इंटरव्यू लेने होते हैं। अब वो इंटरव्यू आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, आप ज़रूरी नहीं कि जाके लोगों के पास स्पेशल जाएंगे तो फिर ही हो सकता है, आप फ़ोन पे इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, आप क्वेश्चनर्स बनाएंगे, क्वेश्चनर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑनलाइन भी हो सकते हैं या किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में जाके आप वो क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उनके ओपिनियंस ले सकते हैं, और फिर वो जो डाटा आएगा उसका आप सारा एनालाइज करेंगे और वो आपके रिजल्ट्स होंगे। अब यहाँ पे मैंने एक बात की थी क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में, काज एंड इफेक्ट के बारे में। तो काज एंड इफेक्ट क्या है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। काज इज़ लाइक सम एक्शन वी परफॉर्म एंड इफेक्ट इज़ रिएक्शन। यानी आपने कोई एक्शन करते हैं, पहले कोई स्टेप लेते हैं अपने डाटा के लिए, फिर उसके बाद आप उसका जो रिएक्शन देखते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, वो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो मेन चीज़ आपके माइंड में रखने वाली थी वो ये थी कि डाटा जो है वो न्यूमेरिक्स की फॉर्म में आता है। ये आपने हमेशा देखना है कि जहाँ भी डाटा जो है वो नंबर्स की फॉर्म में आया है, रिजल्ट आपका या परसेंटेज के हिसाब से आ रहा है, तो वो चीज़ क्वांटिटेटिव होगी। और इसमें आप अपनी मर्ज़ी से सैंपल लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने कहीं पहले से लेना है, जो आपका दिल चाह रहा है आपने अपनी मर्ज़ी से टॉपिक लिया, फिर आपने उसका जो है रिसर्च की, और वो कंप्यूटराइज्ड रिसर्च होती है जो कि नंबर्स की फॉर्म में आएगी। अब बात करें हम टाइप्स के बारे में, तो सबसे पहले हमारे पास टाइप है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक टाइप है, जिसमें जिसका मेन पर्पज़ ये होता है टू इस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब बात करें हम कि ये चीज़ क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स जो हैं चेंजेबल और अननोन वैल्यू को हम कहते हैं, और इसमें हमने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, कॉज मीन एक्शन एंड इफेक्ट मीन्स कि आपका जो एक्शन आपने परफॉर्म किया उसका रिएक्शन क्या आया। तो जो मेन पर्पज़ है इसका यही है कि आप कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसके बाद आपने पहले कोई एक्शन परफॉर्म किया, देन आपने जो उसका रिजल्ट देखा वो एक्सपेरिमेंटल होता है। ऑब्वियसली आप जो जो आपने साइंस जब पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, तो वहाँ पे पहले आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, देन उसका रिजल्ट जो आता है वो एक्सपेरिमेंट होता है। तो यही चीज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी होती है, जिसमें पहले कुछ किया जाता है और उसके बाद उसका जो है रिजल्ट आता है, यानी आप अपना खुद से एक फिनोमेना क्रिएट करते हैं।
और फिर उसके अपने जो फिनोमेना होता है, फिर उसके आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टीचिंग विद कोऑपरेटिव ग्रुप स्ट्रैटेजी और अ ट्रेडिशनल लेक्चर अप्रोच। यानी उन्होंने पूछा है, पहले उसने देखा कि मतलब पहले टीचिंग की जा रही है इन दोनों को, ग्रुप्स को, ठीक है, कोऑपरेटिव और ट्रेडिशनल लेक्चर अप्रोच जो भी है, तो इन दोनों को पहले टीचिंग दी गई, फिर उसके बाद देखा गया कि इसका इफेक्ट क्या है। पहले टीच मतलब पहले एक्शन परफॉर्म किया गया, देन उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। तो ये चीज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आ जाती है। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक टाइप है जिसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो भी कहते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या चीज़ है? एक्स पोस्ट फैक्टो जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है आफ्टर द फैक्ट। यानी कि इस टाइप ऑफ रिसर्च में हमने करना क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च इन्वेस्टिगेटर्स अटेम्प्ट टू डिटरमिन द कॉज और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफरेंसेज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट बिटवीन और अमंग टू ग्रुप्स, अमंग ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी कि जो रिसर्चर है उसने देखना होता है कि क्या कॉजेज और क्या कॉन्सिक्वेंस हैं जो ऑलरेडी डिफरेंसेज, यानी जो पॉपुलेशन है उनमें जो डिफरेंसेज एग्जिस्ट करते हैं। क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है कि अगर हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना हो वेजेस के बारे में, यानी मैन और वीमेन की वेजेस के बारे में डिफरेंस मालूम करना हो, वेजेस क्या चीज़ है, पेमेंट होती है ये, यानी कि अगर एक फीमेल जो है वो वर्क कर रही है या एक मेल वर्क कर रहा है और वो डेली बेसिस पे या तो उनको अर्निंग होती है या फिर उनको वीकली बेसिस पे उनका रिवॉर्ड मिल जाता है। ऐसा नहीं कि वो पर मंथ या ईयर वेट करते रहते हैं अपने काम के लिए, अपनी पेमेंट के लिए। तो हमने अब फाइंड आउट करना है उनकी डिफरेंस जो है, उनकी ये जो पेमेंट के बारे में है वो कैसे है। अब रिसर्चर क्या करेगा, उसने कंपैरेटिव स्टडी करनी है कि इन दोनों ने मतलब वेरियस प्रोफेशन से किस तरह ये दोनों जेंडर्स जो हैं वो अर्न कर रहे हैं। कुछ जो हैं अब हम ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्रोफेशन बेस ही देखें, हम उनकी हायरार्कीज, उनकी लोकेशन, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम उनकी ये जो डिफरेंस हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं और इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी या डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, यानी इन दोनों का आपस में कहीं ना कहीं डायरेक्ट लिंक बन रहा है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें कि एक स्टूडेंट जो है वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और एक स्टूडेंट जो है वो रेगुलर स्टूडेंट है, कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहा, तो हम उनकी अगर कंपैरिजन करें कि उन दोनों की अचीवमेंट्स कैसी हैं, तो ये चीज़ भी इसी रिसर्च में का टाइप होगी, इसी की टाइप होगी जिसमें हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेज देख रहे हैं, काजेस देख रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। क्या मतलब हुआ इसका कि इसमें आप किसी भी चीज़ की, यानी किसी पॉपुलेशन की, ज़रूरी नहीं है सिर्फ पॉपुलेशन है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो आप बात कर रहे हैं उसकी आपने डिस्क्रिप्शन ओवरऑल बतानी होती है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे आते हैं। आपने खुद कुछ नहीं करना होता, आपने सिर्फ डिस्क्राइब करना होता है एक सिचुएशन को। जैसे कि इससे पहले मैंने एक टाइप आपको पढ़ाई थी क्वांटिटेटिव रिसर्च की, एक्सपेरिमेंटल, वहाँ पे आपने क्या करना था, पहले आपने एक एक्शन परफॉर्म करना था, देन आपने उसका रिजल्ट देखना था। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट तरीके से यूज़ हो रही हैं और इसमें जो आगे बात करते हैं हम पढ़ते हैं, इट कलेक्ट्स डेटा दैट आर यूज टू आंसर अ वाइड रेंज ऑफ व्हाट, व्हेन एंड हाउ क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन और ग्रुप। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन जो रेज होते हैं, व्हाट, हाउ, व्हेन, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में यूज होते हैं। एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे सामने, एग्जाम्पल्स रीड आउट कर लेते हैं। वट आर द एटीट्यूड्स ऑफ पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कंसर्निंग एन एक्सटेंडेड स्कूल ईयर। यानी कि देखिए यहाँ पे वही आ गया ना, क्वेश्चन रेज हुआ व्हाट आर, यानी क्या एटीट्यूड्स हैं पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के, टीचर्स के, ये जो स्कूल जो हैं एक्सटेंड हो रहे हैं, वेकेशंस हो रही हैं, इससे रिगार्डिंग। और यानी आपने ओवरऑल सारी इसकी डिस्क्रिप्शन बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट ऑफ प्राइमरी स्कूल्स इन गुजरांवाला। यानी वही क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया, व्हाट, व्हेन, हाउ, विच, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे रेज होते हैं। अब ये इजी सा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट था, आई होप कि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं,
मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।